युवा शक्ति के लिए अगर कोई नारा ही लगाना है तो प्रोफेसर चमन सिंह ने, चमन लाल ने आज सुबह बताया था कि किसी जिंदा आदमी के नाम का नारा क्यों लगाया जाए। हमारे पास बहुत बड़े नारे हैं, मिलके बोलिए इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों आज हमने एक बहुत बड़ी शुरुआत की है। बड़ी शुरुआतों के बारे में हमेशा यह होता है कि उस वक्त जो लोग बैठे होते हैं कई बार यह एहसास नहीं होता कि हम कितनी बड़ी चीज की शुरुआत कर रहे हैं। यह एहसास 5 साल बाद होता है, 10 साल बाद होता है, कभी कभी 20 साल बाद कोई पलट के कहता है कि ये जो बहुत बड़ा बदलाव हुआ उसकी शुरुआत उस दिन उस हॉल में एक सम्मेलन के साथ हुई थी। आज का सम्मेलन कुछ वैसा ही है। आज के सम्मेलन में हम सब आए सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें इस शिक्षा व्यवस्था में अपना कुछ पाना है। हां, इस व्यवस्था के भुक्तभोगी आए और मैं आयोजकों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आज की इस सभा में सिर्फ विद्यार्थियों के नेताओं को नहीं, उम्र में प्रौढ़ लेकिन मन से युवा समझने वाले लोगों को ही नहीं, वास्तव में विद्यार्थियों को भी बोलने का मौका दिया। ये बहुत अच्छी बात है। भुक्तभोगी बोले लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें अपने लिए कुछ पाना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई बदलाव करना है, सिर्फ इसलिए भी नहीं कि उन्हें शिक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव करना है, बल्कि इसलिए कि उन्हें भारत का एक सुंदर सपना दिखता है, उन्हें एक सुंदर भारत बनाना है। आज की ये सभा एक सुंदर हिंदुस्तान, एक सुंदर भारत बनाने की दिशा में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। एक सुंदर भारत बनाने के लिए हम शिक्षा का सवाल क्यों उठा रहे हैं? आज इस देश की पार्टियां तो शिक्षा का बात नहीं करती। बिहार में चुनाव हो रहे हैं, शिक्षा के सवाल पे नहीं हो रहे हैं। देश में लोकसभा चुनाव हुए थे, शिक्षा के सवाल पे नहीं हुए थे। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज की सभा महत्वपूर्ण है। दोस्तों दावे करने की मुझे आदत नहीं है लेकिन एक छोटा दावा आपके सामने करना चाहता हूं। आज से 5 साल बाद, ज्यादा से ज्यादा आज से 10 साल बाद, इस देश में राजनीति का सबसे बड़ा मैदान अगर कोई होगा तो शिक्षा व्यवस्था होगी, जिसकी आपने शुरुआत। और वो क्यों होगी, इसकी एक वजह यह है कि आज इस देश में असमानता का, गैर बराबरी का, अमीर गरीबी को बनाए बचाए रखने का अगर कोई सबसे बड़ा औजार है तो वो है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था के बारे में बड़ी सुंदर बातें कही जाती हैं, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी कुछ सुंदर सी बात लिख देता है, कंसोमा जोते में ऐसी कुछ बातें लिख देता है, ज्योति हो, प्रकाश हो, ज्ञान हो, सत्य हो, सब सुंदर बातें लिखी जाती हैं। लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि आज इस देश में अमीर का बेटा अमीर रहे और गरीब मेहनत कश का बेटा पत्थर तोड़ने पे मजबूर रहे, ये सुनिश्चित करने का अगर कोई पाइपलाइन है, अगर कोई व्यवस्था है तो उसका नाम इस देश की शिक्षा व्यवस्था है। इसलिए एक सुंदर देश बनाने की लड़ाई
इस शिक्षा व्यवस्था को बदलने की लड़ाई होगी। इस शिक्षा व्यवस्था को बदले बिना, इसको चुनौती दिए बिना आप एक सुंदर हिंदुस्तान नहीं बना सकते। ये जो प्रस्ताव आपके सामने रखा गया है, जिसका समर्थन करने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं, और अंत में आपसे पूछूंगा अगर आप इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, अंत में आपसे हाथ उठा के वोट भी करवाएंगे और प्रस्ताव भी रखूंगा कि इससे एक छोटा सा एक्शन तो अभी आधे घंटे के अंदर ही शुरू कर सकते हैं। ये जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव में हमने चिन्हित किया है कि आज की शिक्षा व्यवस्था क्या कर रही है। शिक्षा व्यवस्था एक गैर बराबरी की पूरी व्यवस्था को इस देश में स्थापित कर रही है। सबको शिक्षा नहीं मिल रही है, सरकार के दावे हैं सर्व शिक्षा, पता नहीं क्या क्या नाम सरकार देती है। हकीकत यह है कि इस देश में स्कूल में दाखिला लेने वाले एक तिहाई बच्चे तो पांचवी क्लास होने तक बाहर हो जाते हैं। सरकार कहती है ड्रॉप आउट, शिक्षा व्यवस्था बच्चों को शिक्षा के अवसरों से वंचित करके शैक्षणिक हत्या कर रही है, वो हम देख रहे हैं इस देश में। आज इस देश के 5 बच्चों में से 4 बच्चे किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का मुंह तक नहीं देखते अपनी जिंदगी के अंदर। ये आपकी शिक्षा व्यवस्था का सच है। उन 5 में से 4 बच्चों की रास्ते में ही अपहरण हो जाता है, हत्या हो जाती है, ये आपकी शिक्षा व्यवस्था देती है। ये शिक्षा व्यवस्था रंग भेद का सिस्टम बनाती है। हम कहते हैं दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड था, रंग भेद था, बड़े मुक्त हो जाते हैं कि देखो वो लोग गंदी बातें कर रहे थे, हम हिंदुस्तानी के कितने अच्छे लोग हैं। अच्छे नहीं है साहब, ये अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं का जो अंतर है इस देश में, ये अपार्थाइड है, ये रंग भेद है। भाषा के आधार पे रंग भेद का सिस्टम इस देश में चल रहा है। बस फर्क ये था कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर पोस्टर होल्डिंग लगे होते थे व्हाइट्स ओनली, सिर्फ गोरे इसमें आएंगे और कोई नहीं आएगा। हिंदुस्तान में बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं होती, हर सरकारी दफ्तर में, हर नौकरी में, हर बड़ी शिक्षण संस्थान में एक ऐसा बोर्ड लिखा है जो हर घुसने वाले को दिख जाता है, लेकिन इतने की जरूरत नहीं होती, उससे छोटा सा लिखा होता है इंग्लिश ओनली। ये रंग भेद की व्यवस्था बनाए रखी है, और इस व्यवस्था में सबसे बड़ा आरक्षण है। आरक्षण तो बड़ी बात बहस होती है इस देश के अंदर, क्योंकि सब लोगों को बड़ा पसंद है आरक्षण के बारे में बात करना, लेकिन जो इस देश का सबसे बड़ा आरक्षण है उस पर कोई चर्चा नहीं होती। सबसे बड़ा आरक्षण क्या है? इस देश की हर शिक्षण संस्था, इस देश की हर कोचिंग क्लास और इस देश के बड़े बड़े तमाम नौकरियां जिसके पापा की जेब में बहुत पैसा हो उसके लिए आरक्षित है। ये पैसे का आरक्षण है इस देश में, सबसे बड़ा आरक्षण ये है। इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती? बड़ी चर्चा होती है, मेरिट गिर गई, मेरिट गिर गई। कल पूछा मुझे लोगों ने, यूनिवर्सिटी में गया था, मैंने कहा यार मेरिट की चिंता तब नहीं होती जब कैपिटेशन फी वाले कॉलेज खुलते हैं, जब इस देश में सैकड़ों मेडिकल, डेंटल और पता नहीं क्या क्या कॉलेज खुल जाते हैं, जहां कोई भी पूछता तुम्हारी क्या मेरिट है, सिर्फ पूछते कितना पैसा लाओगे, कितना रोकड़ लाओगे, तब मेरिट नहीं थी। इस देश का सबसे बड़ा और सबसे नापाक रिजर्वेशन ये है जिसको तोड़ने की जरूरत है, और ये व्यवस्था हमें अपनी जड़ से काटती है, सार्थक शिक्षा नहीं देती। एक साथी ने कहा हम प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में जाएं, मैं नहीं जानता वो क्या थी, मुझे नहीं लगता कि हम अचानक ऐसी कुछ चीजों को रातों रात बना सकते हैं, लेकिन हां अपने संदर्भ, अपने परिवेश, अपनी विरासत, अपनी परंपराओं से हम रिश्ता बना सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था को सिखाना चाहिए। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था हमें अपने माँ बाप से, अपने गांव से, अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से काटना सिखाती है, इससे शर्म करना सिखाती है, अपने आप को हीन भावना से भरना सिखाती है, उसे बदलना होगा। इन सब बातों को आपने अपने
प्रस्ताव में चिन्हित किया है। समाधान क्या होगा? आपने इस प्रस्ताव में एक आदर्श लिखा है। यह आदर्श नया नहीं है, आजादी के आंदोलन का आदर्श है, भगत सिंह का आदर्श है, महात्मा गांधी का आदर्श है, सबका आदर्श है। सबको शिक्षा, सहज सुलभ शिक्षा, समान शिक्षा, सार्थक शिक्षा, ये चार चीजें मान लीजिए। सबको शिक्षा, कोई बच्चा इस देश में ना रहे जिसको शिक्षा ना मिल सके। जन्म के संयोग के आधार पर अगर किसी को शिक्षा के अवसर नहीं मिलते तो शर्म के दूर बनने की बात है देश के लिए। अपने आप को आधुनिक कहते हैं आप, कहते हैं 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी होगी। बच्चों को आप कॉलेज यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं दिखा सकते, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सहज सुलभ शिक्षा, सबको शिक्षा का मतलब तभी है जब वो सहज हो, जब वो सुलभ हो, बच्चे का स्कूल उसके 2 किलोमीटर के अंदर हो और उस भाषा में हो जो उसकी माँ बोलती है। माँ की भाषा में जब शिक्षा मिलती है तो सहज और सुलभ होती है वो, और दुनिया भर के एजुकेशनल पेडागोजिस्ट कहते हैं यही होती है शिक्षा देने का तरीका। तीसरा, समान हो, यानी कि जितने भी पैसे हो या ना हो, जहां भी जन्म हुआ हो। आनंद जी ने चार चीजों का जिक्र किया है, हिंदुस्तानी समाज की पुरानी बीमारियां हैं, आदमी औरत का फर्क, गरीब अमीर का फर्क, गांव शहर का फर्क और बिरादरी जाति के अंदर ऊंचे और नीचे का फर्क। ये चारों बीमारियां आज भी कायम है और इन चारों को खत्म करके शिक्षा के ऐसे अवसर देना जिससे इसका असर ना हो, वो बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आपने सबको शिक्षा, सहज शिक्षा, समान शिक्षा और सार्थक शिक्षा का आदर्श स्वीकार किया है। सवाल है हम इसको लागू कैसे करें। आपका एक प्रस्ताव ये भी स्वीकार करता है कि इसको लागू करने के लिए आज की व्यवस्था के लोगों के सामने हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए हमें कुछ और करना होगा और उसके लिए हमें बाहर से कुछ हिलाना होगा। एक बात तय है दोस्तों, इस देश की शिक्षा व्यवस्था, जो लोग आज इस व्यवस्था में काबिज हैं, वो इसको अपने आप कभी नहीं बदलेंगे। उनको सुन करती है व्यवस्था, उनके बच्चों को जो कुछ चाहिए मिल जाता है और बाकी सबको कुछ ना मिले, इससे उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। तो जाहिर है व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। कैसे बदलेगी? जब आप और मैं, जब हम सब सड़क पे उतरेंगे, जब हम सब सवाल उठाएंगे, जब हम इनको जवाब देने पे मजबूर करेंगे, तभी यह व्यवस्था बदलेगी। यानी कि आंदोलन करना होगा, संघर्ष करना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का। और आज इस संघर्ष की शुरुआत में हमारे हाथ में 2-4 चीजें हैं जिसका आपने इस रेजोल्यूशन में जिक्र किया। पहला, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है। जजमेंट की क्या अच्छाई बुराई है मैं उससे बात नहीं करना चाहता। राजीव भाई ने कुछ बोला उसके बारे में, वो तर्क हो सकता है, मुझे कोई इनकार नहीं है उन बातों से। किसी बच्चे को मजबूर किया जाए ये हमारी कोई नियत नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि जो लोग आज की शिक्षा व्यवस्था के कर्णधार हैं, वो अफसर, वो नेता, वो बड़े बड़े लोग जो कि आज इस शिक्षा व्यवस्था के कर्णधार हैं, जिनके हाथ में शिक्षा व्यवस्था को बदलना, बिगाड़ना, ठीक करना, वो इस व्यवस्था के अंदर शामिल क्यों ना हो? उनसे क्यों ना पूछा जाए कि आप ये क्यों नहीं कर रहे? आज आप उत्तर प्रदेश की सरकार से 6 महीना पहले पूछ रहे थे आपके स्कूल कैसे हैं, कहते बहुत अच्छे स्कूल है हमारे, सरकारी स्कूलों में इतनी बढ़िया शिक्षा मिल रही है। अब 1 महीने बाद उनसे पूछिएगा, जब वो अफसर और मंत्री अपने बच्चों को वहां नहीं पढ़ाएंगे, तब उनसे पूछिएगा साहब आपके स्कूल कैसे हैं, तब आपको सच्चाई का उत्तर मिलेगा। तो ये व्यवस्था, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट, नीति कैसी है, इसके बारे में बाद में बहस कर लेंगे, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट इस देश में शिक्षा व्यवस्था का जो पाखंड है
इस शिक्षा व्यवस्था के नाम पे इस देश में जो गुलामी लाती जा रही है, जो दोहरी शिक्षा व्यवस्था है, उसको नंगा करने का काम इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट करता है। हम इसका सलाम करते हैं, इसका स्वागत करते हैं। दूसरा, अभी यूजीसी के सामने एक धरना चल रहा है। आप कहोगे छोटे सवाल पे धरना चल रहा है कि नॉन नेट स्टूडेंट जो है एमफिल पीएचडी के वो स्टूडेंट जो कि जेआरएफ का टेस्ट पास नहीं करे थे, लेकिन उनको आज से 5-7 साल पहले एक सिस्टम शुरू हुआ था कि एमफिल पीएचडी तक पहुंचते पहुंचते बच्चा इस स्थिति में नहीं रहता कि अपने माँ बाप से पैसा मांग सके, और उसको एक न्यूनतम खर्च के लिए 5,000 रुपए की एक फेलोशिप शुरू हुई थी। उसके बाद में यूजीसी ने फैसला किया था कि चलो केंद्रीय विश्वविद्यालय को नहीं, इसमें साथ में थोड़े से राज्य विश्वविद्यालयों को भी शामिल कर दिया जाए। उसके बाद एक और कमेटी बनी ये कहने के लिए इसका और विस्तार हो, इसकी राशि थोड़ी सी और बढ़ाई जाए, और वो कमेटी ने क्या फैसला किया कि इसको बंद कर दिया जाए। यह फैसला हुआ जो थोड़ी सी चीज व्यवस्था दे रही थी वो भी वापस लेने का फैसला किया है। और 80 शेम की बात मैं बताऊं आपको, जिस मीटिंग में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के लोगों ने यह फैसला किया कि उनके पास पैसे नहीं है स्टूडेंट की कार्यशील बंद कर दो, उसी मीटिंग में मुझे शर्म आती है बात कहते हुए, उसी मीटिंग में उसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के मेंबर्स ने, मुझे शर्म इसलिए आती है कि मैं भी मेंबर रह चुका हूं उसका, उन्हीं मेंबरान ने फैसला किया कि उनकी हर मीटिंग अटेंड करने की फीस 2,000 रुपए से बढ़ा के 5,000 रुपए कर दिया। ये हकीकत है इस देश की, ये है इस देश की शिक्षा व्यवस्था के कर्णधार, ये लोग हैं जो कि आपके और हमारे बच्चों का भविष्य तय करेंगे। आपको सड़क पे आना होगा, और बधाई देता हूं, सलाम भी करता हूं उन साथियों को जो पिछले कई दिन से दिन रात यहां यूजीसी के सामने अपना धरना लगा के बैठे हुए हैं। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये प्रस्ताव में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपसे इसकी गुजारिश करना चाहता हूं कि ये लोग दिन रात यहां पर बैठे हुए हैं, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उनके पास जाके उनके साथ खड़े हों, उनको कहें कि हम तुम्हारे साथ हैं संघर्ष में। ये तो इलाहाबाद में नहीं हो रहा, बनारस में नहीं हो रहा है, तो यही दिल्ली में हो रहा है, 1.5 किलोमीटर दूर हो रहा है। तो अगर आप सब इससे सहमति दें तो मैं प्रस्ताव करूंगा कि जैसे ही ये सभा समाप्त होती है 5 मिनट में 7 मिनट में, उसके बाद शांतिपूर्वक तरीके से हम यहाँ आईटीओ तक पैदल चलते जाए और उनका समर्थन करें। आप हाथ उठा के बताएं अगर आप इसके समर्थन में हैं तो। सम्मेलन में मेरा ये भी फर्ज बनता है कि मैं पूछूं, अगर कोई साथी इसके विरोध में है तो वो भी अपना हाथ खड़ा करे, कोई साथी कहता हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो सर्वसम्मति से ये यूजीसी जाने की बात हो रही है। यूजीसी में जो फेलोशिप वाली है उसकी बात हो रही है, यूजीसी में आईटीओ में जो बच्चे बैठे हैं वहां जाने की बात हो रही है। तो मैं मानता हूं कि इस चीज को सर्वसम्मति से हमने स्वीकार किया है। साथियों, ऐसे तमाम संघर्ष इस देश में चल रहे हैं, इस देश के हर शहर में कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने अपनी एसोसिएशन बना रखी है, और प्राइवेट स्कूल जिस तरह की फीसों की लूट कर रहे हैं उस लूट के खिलाफ संघर्ष चल रहा है। हमें जाके अपने अपने शहर में अपनी अपनी जगह में इससे जुड़ना है और इस आंदोलन के साथ जुड़ना है, जो फीसों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहे हैं उसके खिलाफ हमारे को खड़ा होना है। और साथियों, आखिरी बात एक और, बस उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, और सब साथी बस 2 मिनट यहां रहे फिर हम सब साथी यहां से बाहर निकलेंगे। शिक्षा और रोजगार का जब संबंध आता है तब इस देश में सबसे बड़ा फ्रॉड होता है। हर स्टेज के ऊपर इसको फिल्टर किया जाता है, हर स्टेज पे जो गरीब है उसको बाहर रखा जाता है, लेकिन अगर किसी भी तरह से कोई गरीब का साधारण घर का बच्चा आखिरी स्टेज तक पहुंच जाता है, नौकरी की स्टेज तक पहुंच जाता है किसी भी तरह, तो फिर आखिरी दरवाजा लगा हुआ है जिसके ऊपर ताला है, और वो क्या, वो घोटाला।
सीधे सीधे हर नौकरी का घोटाला है। नौकरियां देखती है उत्तर प्रदेश के बारे में एक साथी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, उत्तर प्रदेश में कई और राज्यों में हर नौकरी टिकाऊ है, हर नौकरी का रेट लगा हुआ है, हर एक को पता है कि कितना रेट देके नौकरी मिल सकती है। हमारे को इसके खिलाफ खड़ा होना है, इसके खिलाफ संघर्ष करना हमारा फर्ज है। उत्तर प्रदेश में साथियों ने कहा, इलाहाबाद के साथियों ने कहा, मैं इलाहाबाद के साथियों को वायदा करता हूँ साथी, उत्तर प्रदेश के साथियों को वायदा करता हूँ, आप इस घोटाले के खिलाफ एक प्रभावी मोर्चा बनाइए, मैं आपके पास आऊंगा, वहां बैठूंगा, जरूरतों के धरने पर बैठूंगा इस घोटाले के खिलाफ। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा, ये एक ऐतिहासिक शुरुआत है, बहुत लंबे काम की शुरुआत है, और इस सब में आपने अपने विचार दिए हैं। कई ऐसे साथी थे जो अपनी बात रखना चाहते थे, समय भाव में नहीं हो पाया, कईयों को हम पहचान नहीं पाए, मैं अपने आयोजक साथियों की तरफ से माफी चाहता हूं, लेकिन आप सबकी बात प्रसारित करके हम अपना एजेंडा बनाएंगे। तो आज इस सम्मेलन के अंत में बस दो ही काम है, सबसे आग्रह है कि 2 मिनट बैठ जाए, ये जो साथी आगे पीछे हो रहे हैं, सबसे आग्रह है कि 2 मिनट बैठ जाए ताकि हम विधिवत संपन्न करके जाएं यहां से। तो दोस्तों, इस बड़े और ऐतिहासिक संघर्ष की शुरुआत हम इस छोटे से मार्च से करेंगे, जिसके लिए आप सब ने सर्वसम्मति से अनुमति दी है। मेरा अनुरोध है कि ये सभा समाप्त होने के बाद हम बिल्कुल 2 लाइन बना के, भीड़ बना के नहीं, हुजूम बना के नहीं, 2 लाइन बना के चुपचाप से वॉक करेंगे। हमने पुलिस को वायदा किया है कि हम कोई हड़दंग नहीं करेंगे, कोई ट्रैफिक में दिक्कत नहीं खड़ी करेंगे, हम चुपचाप से जाएंगे। हम चुपचाप से जाएंगे, हम कोई खामखा का होटल हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे, अपने साथियों के साथ वहां जाएंगे, बैठेंगे। और मैं आपको यही बताता हूं, हम में से जितने साथी, जितना समय उनके साथ ठहर सके, हम में से कुछ साथी तो रात भर बैठे ना उनके साथ, तो दिन रात बैठे हुए हैं वो लोग, हम भी उनके साथ एक रात गुजार के देखे, कुछ लोग कुछ घंटे गुजार के देखे, कुछ समय गुजार के देखे उनके साथ शामिल हो। लेकिन ये करने से पहले आज जो प्रस्ताव आपके सामने अभी पेश हुआ, उस प्रस्ताव पे वोट देंगे, हम अपनी राय दे दें। ये प्रस्ताव जो अभी पेश किया गया था, आपको पढ़ के सुनाया गया था, उस प्रस्ताव के पक्ष में जो प्रस्ताव पेश हुआ, उस प्रस्ताव के पक्ष में कितने लोग हाथ खड़ा करके बताएं। एक मिनट खड़ा रखें ताकि कैमरा वाले साथी भी देखने पाए। एक हाथ, दो आप का मतलब है कि मैं बाकी सब काम छोड़ के सिर्फ ये काम करूंगा, दो आप भी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन मतलब कि बाकी सब काम छोड़ के इस प्रस्ताव को लागू करवाने के लिए काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रस्ताव के विपक्ष में इससे असहमत होते हुए कोई अगर साथी अपनी बात अपना हाथ खड़ा करना चाहते हैं तो वो भी बताए। आपका दर्ज इलाहाबाद हाईकोर्ट वाले बिंदु पे असहमति है, बाकी पूरे प्रस्ताव से सहमति है, और कोई साथी अपनी असहमति यहाँ पे है, एक साथी और, दो साथियों को असहमति है, दो सामान्य साथी और दोनों को सलाम करे, एक और साथी थी, तीन साथियों को असहमति है, मैं इसको सलाम करता हूँ। इस भावना का तीनों स्वराज अभियान के महत्वपूर्ण साथी है, और इस बात को मैं सलाम करता हूं कि हमने एक ऐसी परंपरा डाली है जिसमें हमारे अभियान के महत्वपूर्ण साथी सार्वजनिक रूप से असहमति व्यक्त कर सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं। ये लोकतांत्रिक परंपरा है जिसे हम आगे ले जाना चाहेंगे, तो इस असहमति का सम्मान करते हुए मैं चाहूंगा कि अगर कोई वोट ऑफ थैंक्स देना चाहते हैं तो वो हो जाए, अगर तैयार नहीं है तो मैं आपकी तरफ से सबको कर देता हूँ। साथियों, पिछले कई दिन से बहुत साथियों ने बहुत काम किया है। उमेश भाई
कहीं दिख रहे हैं उमेश भाई हाथ खड़ा करते भाई आप कहीं हो वो काम में लगे हुए हैं। उमेश भाई पिछले 1.5-2 महीने से लगे हुए हैं, उनके साथ उत्तर प्रदेश की तमाम टीम लगी हुई है, एक एक का नाम नहीं लूंगा, हाथी के पांव में सबका। इधर पंकज भाई के नेतृत्व में दिल्ली की टीम, तमाम विधानसभा क्षेत्रों की टीम लगी हुई है। यहाँ पे भी मैं एक एक कहा बस आपका हाथ खड़ा करवाना चाहता था, मैंने कहा कि बस आप क्या करना है, आपको सबका करना है। पंकज भाई आपके नेतृत्व में दिल्ली की टीम काम करती रही है, बस आपके उसमें दिल्ली की सारी वार्ड की टीम जुड़ गई, तमाम टेक्निकल टीम काम करती रही है, साथी हैं मंच पे आए हुए हैं सब लोग, तो मैं एक एक का नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर उससे लंबी हो जाती है और फिर बाद में दिक्कत हो जाती है कि इसका नाम नहीं है। मैं समझता हूं हमें अच्छी स्वस्थ संस्कृति चलाएंगे जिसमें हमारा नाम सिर्फ यही है, महत्व सिर्फ इस बात का है कि जिस बड़े उद्देश्य को हम लेके चले हैं। आज इस देश में न जाने कितने लोग कितने बड़े बड़े सपने लेके घर में बर्तन मांझने वाली महिला भी अपने पेट का पैसा काट के अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने को भेजती है, क्या क्या सपने देखते लोग आए और उनके साथ क्या होता है, वो हत्या है। उस हत्या को अगर हम रोक सकते हैं तो उससे सुंदर वोट ऑफ थैंक्स कोई हो नहीं सकता। हम सब जब आंख बंद करेंगे हम सबको वोट ऑफ थैंक्स उससे मिल जाएगा, लेकिन हम ये काम करेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और अब हम इसको समाप्त करेंगे, इसे समाप्त करें तो इसको समाप्त करते हुए सभी साथियों को धन्यवाद जिन्होंने तमाम तरह का सहयोग किया, मीडिया का, टेक्निकल सहयोग, इस हॉल को रखने में सहयोग, खाने पीने का अरेंजमेंट करने में सहयोग, और जो साथी जो अलग अलग राज्यों में जोड़ते रहे सब लोगों को, उन सबको धन्यवाद करते हुए हम आज इस सभा को एक संकल्प के साथ समाप्त करते हैं और अपने पहले कदम की ओर बढ़ते हैं। आप सबसे निवेदन है जाइएगा नहीं, हम सब 2 किलोमीटर चलेंगे आईटीओ तक जाएंगे और वहां संघर्ष कर रहे साथियों के साथ कुछ देर बैठेंगे, हम में से जो साथी कर सके वो पूरी रात उनके साथ बैठेंगे। तो मेरे साथ मिलकर बोलिए इंकलाब जिंदाबाद।